जो नेगेटिविटी जनरेट हो रही है ऑल अराउंड, उसको कैसे अवॉइड किया जाए, माइंड को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन ले बजाय नेगेटिव के? कि हमारे आसपास में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिविटी कम है, विच इज़ अ फैक्ट. क्योंकि जहाँ भी हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, यहाँ पे वहाँ पे जो बातें हैं, ये वो, हर तरफ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है. तो अब ऐसे में क्या करें? नंबर वन, उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करो. वो आप कर भी रहे हो, आप लोग तभी आप यहाँ पर बैठे हो, मेरे सेशन तो देख ही रहे हो. हाँ, तो जो मेरे सेशन हैं उसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा है. नेगेटिविटी होती है या नहीं होती है? कभी कभी थोड़ी बहुत तो होती होगी, मतलब खच्चर अच्छा रही हो. हाँ, चलता है, वो भी अच्छा लगता है, मतलब प्यार से बोलता हूँ. सर, वो हमें अप्रिशिएट करता है, वो आपको और आगे बढ़ने के लिए वो करता है, एनकरेज करता है कि खच्चर नहीं बनना है. हाँ हाँ, तो कहने का मतलब है, इसको बैलेंस कैसे करोगे? इट्स वेरी सिंपल. अभी हमारे अंदर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी तो नेगेटिव एक्शन ज़्यादा होंगे. अगर पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव एक्शंस होंगे. तो जितना हो सके अपने माइंड में बैलेंस को क्रिएट करने की कोशिश करो, क्योंकि नेगेटिविटी को आप लोग पूरी तरह से तो अवॉइड कर नहीं सकते. अब घर वालों का क्या करोगे? उनको चूहे मारने की दवाई तो खिलाओगे नहीं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज कई बार घर में घुसी पड़ी होती हैं, इधर उधर कोने में, यहाँ पे वहाँ पे. हाँ, चूहों को तो आप बाहर निकाल सकते हो, उनको मार सकते हो. घर वालों का क्या करोगे अगर कोई आपके घर में ही बैठे हैं तो, नेगेटिव लोग, या आस पास में ही बैठे हैं तो, जो हंस रहे हैं मैं समझ सकता हूँ उनके ऊपर क्या बीत रही है. तो जितना आप इसको बैलेंस करोगे उतना अच्छा है. बट धीरे धीरे आपको क्या करना है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से बाहर निकल करके रियलिटी को एज इट इज देखते चले जाना है. वो परमानेंट सॉल्यूशन है. नहीं तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव एनर्जीज आती है हमारे अंदर तो हमको बड़ा बुरा लग रहा होता है, फिर हम पॉजिटिव एनर्जीज को अपने अंदर घुसा देते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो कुछ देर के लिए रहता है. होता है ना, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, मेरे से सब पूछते हैं कि सर जब देख रहे होते हैं तब तो हम फंटूश बन जाते हैं, तब तो हम सुपरमैन सुपर वूमेन सब बन जाते हैं, उसके बाद में अपनी असली औकात पता लगती है कि अब क्या करें भाई साहब. चाहे नहीं भी समझ आ रहा, आप देख रहे हो अच्छा है, कुछ पॉजिटिव जा रहा है अंदर, अच्छा है. दैट इज बेटर देन कि सिर्फ नेगेटिव जाए, क्योंकि वो तो हमको बिल्कुल ही नीचे गिरा देगा, वो तो हमको डिप्रेस कर देगा कि क्या लाइफ है, जिंदगी में कुछ पड़ा ही नहीं है, सब बेकार है, सब तरफ से प्रेशर, सब तरफ से ये, सब तरफ से वो, तो आदमी फंसता ही चला जाता है. तो पॉजिटिव से एटलीस्ट एक उम्मीद आती है हमारे अंदर से कि हमको बाहर निकलना है. उस एनर्जी को आप यूज़ करो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये याद रखना कि ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास में नेगेटिविटी कभी भी खत्म नहीं होने वाली है. आप चाहे कहीं भी चले जाओ, किसी भी लेवल पर चले जाओ, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स रहेंगी. तो डाउन द लाइन आपको क्या करना है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से ऊपर उठ जाना है. फिर आपको ना नेगेटिव से फर्क पड़े ना पॉजिटिव से फर्क पड़े, आपको ये समझ आए कि दोनों ही इन्फॉर्मेशन है. दिस जस्ट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, वी आर पुटिंग अ लेबल ऑन इट कि इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव. उस इन्फॉर्मेशन को हमको कैसे यूज करना है वो हमारे हाथ में है. इसको मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो नेगेटिविटी आप किसको कह रहे हो कि कोई आया और आकर के आपको उसने बोला कि तेरे बस का नहीं है, नहीं कर पाएगा, क्यों कर रहा है? ठीक है, तो आप इसको क्या कहोगे, ये नेगेटिव है. कोई आकर के आपको बोलते हो नहीं नहीं तू कर सकता है, नेवर गिव अप, ये वो व्हाटएवर, तो आप कहोगे ये पॉजिटिव है. जरूरी नहीं है, दोनों ही एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है. अगर हमारे अंदर इंटेलिजेंस है उस इन्फॉर्मेशन को यूज करने की, तो हो सकता है जो नेगेटिव बोल रहा है हमको कि तू नहीं कर सकती, वो हमारे काम आ जाए, बजाय कि हम लगे रहें 10 साल तक 20 साल तक नहीं नहीं मैं तो करके रहूंगा, करके रहूंगी, व्हाटएवर इट इज. और 20 साल बाद हमको समझ आए कि हमारी लाइफ भी निकल गई, वहां भी कुछ नहीं हुआ, यहां भी कुछ नहीं हुआ. तो अगर कोई आपको नेगेटिव भी बोल रहा है, तो हो सकता है वो जो नेगेटिव बोल रहा है उसके पीछे सच्चाई है. नेगेटिव इंसान जो बोल रहा होता है वो फेल होता है अपनी अपनी मतलब कॉजेस की वजह से, तो वो चीज समझनी होगी कि उसके कॉजेस का क्या. एब्सोल्युटली, तो आपको दोनों तरफ से वो भी इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो गई या नहीं हुई? क्या पता आप भी बिल्कुल वही कर रहे हो जो उस बेचारे ने किया, तो आप भी बेचारे बनने वाले हो. क्लियर हो रहा है ना? बट अगर उससे आपने ये इन्फॉर्मेशन ले ली, किसी तरह से निकाल ली, हो सकता है वो दे ना रहा हो इन्फॉर्मेशन, कई बार हाँ, तो वो कुरेद कुरेद के निकालनी होती है इन्फॉर्मेशन, पता लग जाएगा वो फेल कैसे हुआ, उसने क्या किया क्या नहीं. उसके साथ भी टाइम स्पेंड करो, जिसको आप नेगेटिव समझ रहे हो उसके साथ भी टाइम स्पेंड करो, समझो उस बेचारे ने क्या किया, आराम से बैठ करके समझो, उससे आराम से पूछो, उससे बोलो कि मुझे कुछ सीखना है आपसे, मुझे समझना है कि मैं करूं या ना करूं. वो बार बार बोल रहा होगा मत करो, तो इस मत करो को आप हटा सकते हो. आप उससे पूछो कि भाई क्यों मत करो, तो द मोमेंट यू से कि क्यों मत करो, अब उसको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना. हाँ, या कोई आकर के आपको कह रहा है कि करो, तो उससे पूछो कि क्यों करूं, इसमें ऐसा क्या होगा, क्या होता है, कैसे होता है, तो फिर इंटरेस्टिंग एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी. तो आपको दोनों तरफ से हेल्प मिलेगी, रियलिटी को जानना. हाँ, रियलिटी को समझना है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है. अगर सिंपल वे में बोलूं,
आप ये जो भी पूछ रहे हो कि भाई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो हम पॉजिटिव कैसे रहें, आपका मोटिव क्या है लाइफ में पॉजिटिव रहने का, या जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिले, सक्सेस मिले, राइट? दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो और मैं आपको बहुत पॉजिटिव कर दूं, या आप खुद ही अपने आप को बहुत पॉजिटिव कर दो लेकिन वो कभी आपका क्रैक ही ना हो, वो बेटर है, या चाहे आप पॉजिटिव रहो नेगेटिव रहो लेकिन वो एंट्रेंस फटाफट से क्रैक हो जाए ताकि आप एक स्टेप और आगे बढ़ो, ताकि आपको सक्सेस मिले, राइट? तो सक्सेस कैसे मिलती है पहले इससे समझ लो अच्छे तरीके से। पॉजिटिविटी से सक्सेस नहीं मिलती है, इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ। नेगेटिविटी से भी नहीं मिलती है, ये नहीं कि इसका मतलब हम कहें कि हमको नेगेटिव हो जाना है तो हमको सक्सेस मिल जाएगी, ना नेगेटिव से ना पॉजिटिव से ना हार्डवर्क से। इसको अच्छे से समझ लेना जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। दुनिया में बहुत लोग हैं बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, जितना आप करने वाले हो जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ज़्यादा करने वाले बहुत बैठे हैं। तो सक्सेस कैसे मिलती है किसी भी फील्ड में, अगर आपको जेन्युइनली सक्सेस चाहिए तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी ऑफ सक्सेसफुल पीपल। जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो अगर आप ये समझ जाओ कि उसमें सक्सेसफुल होने की बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी क्या है, और उस स्ट्रैटेजी को अगर आप समझ लो और उसके हिसाब से एक्ट कर लो तो हर काम आसान है। और अगर हमको ये ना समझ आए और हम कितना भी हार्डवर्क करते चले जाएं सब कुछ मुश्किल है। हार्डवर्क पेज यू ओनली इफ यू आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज राइट डायरेक्शन, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, क्योंकि आप कितना भी पॉजिटिव हो जाओ दैट डज नॉट मीन कि आप राइट डायरेक्शन में हो। आप यहां से निकल गए हो, आप कह रहे हो कि मैं वहां जा रही हूं मैं बहुत पॉजिटिव हूं, अभी आप नॉर्थ दिल्ली में बैठे हो, आप कह रहे हो मैं साउथ दिल्ली में इस जगह पे पहुंच जाऊंगी, बहुत पॉजिटिव हो, कोई बीच में आकर के आपको नेगेटिव कर रहा है, कहां जा रही है क्या कर रही है, आप कह रहे हो नहीं नहीं मेरे को नेगेटिव मत करो, आसपास में पूरी दुनिया आपसे कह रही है कहां जा रहे हो भैया क्या कर क्या रहे हो, तो आप कह रहे हो नहीं नहीं मुझे नेगेटिव मत करो, आई एम वेरी पॉजिटिव, मैं पहुंच जाऊंगी। बट यू डोंट नो आप जा कहां रहे हो, वो जगह यहां पर है आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो व्हाट यू नीड इज अ रियल मैप बेस्ड अपॉन रियल लोकेशंस, रियल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि रियलिटी को आपको समझना होगा। अगर अपने मोबाइल में आपने ऑन किया गूगल मैप्स एंड नाउ यू से कि हाँ मैं वहां जा रही हूं इतनी देर में पहुंच जाऊंगी, दैट मेक्स सेंस। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, जो कर रहे हैं क्या वो सही भी है या नहीं है। इफ यू हैव 100% कन्विक्शन के जो मैं कर रही हूं वो सही है तो वहां पर ना नेगेटिविटी हमको इन्फ्लुएंस कर सकती है ना पॉजिटिविटी, बट हम इस पर कभी काम नहीं करते हैं। जस्ट टू क्रैक द स्ट्रैटेजीज, लोग क्रैक ही नहीं कर पाए हैं लाइफ में कि कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे सक्सेसफुल होते हैं। अगर ये क्रैक कर लें, कुछ लोग कर लेते हैं क्रैक, वो कर लें तो वो किसी एक फील्ड में नहीं, वो कहीं पर भी सक्सेसफुल हो सकते हैं।